तो इधर जापान में मंगलवार को 25 साल का सब तो भयानक तूफान आया। देश में तेज हवावां ते भारी बारिश कारण हुण तक 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि होर कई जख्मी हो गए ने। तेज हवावां ने लोगों के घरों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। पुल ते खड़े ट्रक पलट गए ते ओसाका हाड़ी विच खड़े टैंकर जहाज नूं भी अपने नाल उड़ा के लै गई। टैंकर दे इक पुल नाल टकराउण तों बाद पुल नूं होए नुकसान कारण कंसाई अंतरराष्ट्री हवाई अड्डा मुख द्वीप तों वक्ख हो गया। इस कारण करीब 3000 लोग उत्थे फस गए। तेज हवावां ते मीं कारण हवाई अड्डे ते पानी भर गया ते कई उड़ानां रद्द कर दित्तियां गईआं। पछमी जापान विच मंगलवार नूं दुपहर 216 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल चक्रवर्ती तूफान जेपी आया। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने लोगों को जल्द तो जल्द थां खाली करने की अपील की और अपनी सरकार को लोगों को बचाने के लिए सारे जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए। मौसम विभाग के प्रमुख अनुमानक रियुता करोरा ने दसिया कि जेबी अपने केंद्र तो 162 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल सकता है। इस साल 1993 तो बाद आया सब तो भयानक तूफान है।